ओके गॉट इट. सुजल ने बोला कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड सेटिस्फैक्शन. ओ वाओ, सेटिस्फैक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. और अच्छा है कि यू टुक दिस, मतलब यू थॉट इट इन दैट वे, सो आई एम हैप्पी. तो व्हाट डू यू मीन बट सुजल एलैबोरेट. लाइक क्या है ना, हमारा मेन प्रॉब्लम है कि लाइक हम प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं. और लाइक गोल्स ओरिएंटेड तो रहते हैं बहुत जन, बट प्रोसेस एंजॉय करना भी भूल जाते हैं. और इस चक्कर में लाइक हैप्पीनेस मेन प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट पड़ती है बहुत लोगों की, वो बाद में रियलाइज होता है. तो आई एम सेइंग लाइक बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, एंड प्लस हैप्पी भी रहना चाहिए. राइट. नो मैटर व्हाट द अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच सुजल सेड वाज कि हमें जस्ट गोल पे फोकस नहीं करना कि जब गोल अचीव हो जाएगा उसके बाद खुशी मिलेगी, बट इट्स रादर मोर देन दैट कि यू एंजॉय इन द प्रोसेस आल्सो ऑफ अचीविंग दैट गोल एंड यू एंजॉय एवरी डे. सो यू डोंट सी सक्सेस एज क्या वो एक स्टेप है जहाँ पे मैं पहुंच के फिर खुश हो जाऊंगा, बट रादर यू सी इट एज मोर ऑफ लाइक कि यू नो इट्स इट्स लाइक अ स्लोप, मतलब और आप धीरे धीरे भी इंजॉय कर सकते हो. मतलब वो स्टेप नहीं है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पहुंच जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा तो खुश होऊंगा. उस तरीके से देखते हैं हम लाइफ में कि यार IIT हो जाएगा तो हो जाएगा, हमारा गूगल में हो जाएगा तो हो जाएगा, या फिर वट एवर दैट इज, एक अच्छा जॉब लग जाएगा तो हो जाएगा. बट दैट इज नाउ इट इज, मतलब ऐसा नहीं कि गूगल में जो काम कर रहा है वो खुश है पूरी दिन. उसके लाइफ में भी अलग प्रॉब्लम्स, अलग चोचले हैं. ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी के लाइफ में कुछ नहीं है. अभी मास फायरिंग भी चल रही है. मतलब बोलने का मतलब है कि चलो मास फायरिंग में वो फायर अप भी ना हो, राइट, बट स्टिल इन हिज पर्सनल लाइफ, बिकॉज आई टॉक टू सम पीपल हु आर देयर, मतलब हु आर देयर ऑन द टॉप ऑफ द लैडर. I try to connect with people here and there, and some people have some personal connections also. So when I talk to them, I feel कि मतलब अंदर से जो उनका personal life है, it's so disturbed. मतलब you'll from actuality आप LinkedIn देखोगे उनका और आप बाकी चीजें देखोगे तो you'll see that कि यार क्या बंदा है, क्या बढ़िया है, मतलब ये है वो है. But अगर उनसे बात करोगे तो अंदर से a lot of things are खोखला, मतलब या खोखला या फिर उनके लाइफ में भी अलग प्रॉब्लम्स है बेसिकली. मतलब उनके लाइफ में भी अलग लेवल ऑफ चैलेंजेस है दैट वी डोंट रियली रियलाइज. एंड बिकॉज होलिस्टिकली लाइफ को अगर हम नहीं देखेंगे इन टर्म्स ऑफ सैटिस्फैक्शन एज सुजल सेड, वो हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं कितना टाइम होगा. बट अगर वो उस तरीके से अगर लाइफ को नहीं देखने का ट्राई करेंगे देन लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट वन, बिकॉज अदरवाइज वी विल जस्ट सी इट एज सक्सेस एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. तो दैट इज द होल थिंग. ओके बाकी हम और कोई बताएगा जैसे और लोगों ने बताया. इस पे मैं भी बोलना चाहूंगा. तो फॉर मी लाइफ इज मतलब अबाउट हाउ सेटिस्फाइड वी आर विद इट. जैसे कि मतलब ठीक है, हम इस समय मतलब इन द मॉडर्न एज जैसे कि किसी ने बोला था कि वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, तो हम इन सब चीजों के पीछे काफी ज्यादा भाग जाते हैं कई बार, और वी डोंट इवन रियलाइज कि हम क्या चीजें मिस कर रहे हैं. जैसे अगर किसी ने घर वापसी देखी होगी सीरीज हॉटस्टार पे तो रिलेट कर सकेगा कि वो बोलता है सिटिंग एमलेसली, मतलब कितने अगर आपको चाहिए कि बिना कुछ किए आप बैठे रहो अपने साथ अकेले में. तो अभी कॉरपोरेट लाइफ या फिर जो भी चल रहा है, मतलब जो वर्क हार्ड के पीछे हम भाग रहे हैं, तो उसमें हम कितना टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए अगर हम मतलब एमलेसली अगर बैठना चाहें तो, कि हम किसी की मर्जी से ना कुछ कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो. और अगर ये चीजें हम मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर नॉट लिविंग आवर लाइव्स. सो फॉर मी इट इज अबाउट हाउ लिवली वी आर एंड हाउ सेटिस्फाइड वी आर विद इट. एंड हाउ डू यू डिफाइन दैट लाइवली एंड सेटिस्फैक्शन? लाइवली इन द सेंस कि सेटिस्फैक्शन है, मतलब व्हाट इज दैट परफेक्ट स्टेट? परफेक्ट स्टेट आई डोंट थिंक देयर इज एनी परफेक्ट स्टेट फॉर दिस थिंग. But being lively, I can explain a bit. Ki being lively means, for me at least, being lively means, are we doing the thing we want to do, or we are just slaves or of someone else? Like
कुछ और कुछ चाह रहे हैं हमसे करना वो हम कर रहे हैं, या फिर अपनी मर्जी से भी कुछ चीजें कर पा रहे हैं। हाँ मतलब इन मॉडर्न एज इट इज इम्पोर्टेंट टू मतलब अपनी भी सुनना, दूसरों के भी सुनना, थोड़ा बहुत सबके ऊपर ध्यान देना इज इम्पोर्टेंट। पर अगर हम कुछ चीजें करना चाह रहे हैं जैसे कि यहाँ पे इस पे हम स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे हैं, तो हम वो चीजें करना चाह रहे हैं और हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसको हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये भी किसी चीज से उलझ के रह जा रहा है कि नहीं इसके लिए कोई और क्या कहेगा मुझे कि इतने कम एज में स्पिरिचुअलिटी में चला गया, या फिर ये सारी चीजें। तो अगर हम ये सोच के रुक जा रहे हैं देन वी आर नॉट लिविंग, वी आर नॉट लाइवली। ओके, सो इन एसेंस एक लाइन में वापस रिपीट करो जो बोला आपने, क्योंकि अभी आपने काफी सारी चीजें ना ऐसे की होगी, ठीक है, मतलब आपने सोचा नहीं होगा लेकिन अभी आप सोच रहे हो, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट वी शुड, मतलब जो हम लोग ट्राई करते हैं करने का, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ चीजें दिमाग में होती है बट जो लोगों को बताते हो ना तो फिर वो क्लियर होता है कि हाँ यार ऐसा सोच रहा था मैं, एंड देन इट बिकम्स अ फिलोसफी। देन आप ट्विटर पे आपको लोग फॉलोअर्स बन जाएंगे उसी को शेयर करोगे बढ़िया से, अगर लोग उससे रेजोनेट करते हैं तो। हाँ तो क्या बोला आपने, वन लाइन में वापस रिपीट करना? आई थिंक एक लाइन में तो बोलना काफी टफ है क्योंकि अंदर से फ्लो आ रहा था वो दोबारा लाना मुश्किल होता है बट जस्ट में बताओ। हाँ मतलब समराइजेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्पीक 1000 वर्ड्स बट इफ आई वांट टू समराइज दैट वन थिंग इन 10-15 वर्ड्स देन इट इज अ चैलेंज, और वो जो कर पाता है वो मतलब बढ़िया होता है। तो फॉर मी जो अभी बीइंग लाइवली एंड सेटिस्फाइड, अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं तो आर वी हैप्पी इन आवर लाइफ, तो इफ यस देन वी आर लिविंग आवर लाइफ्स, अदरवाइज मे बी वी आर अंडर सम प्रेशर टू लिव, और जस्ट कि हाँ चल रहा है ठीक है, राइट ओके। और किसी का आयुष ने क्या बोला? ओके सुजल, यस मैं ये बोलना चाहता था कि लाइक हैप्पी तो प्लेजर है, खुश तो इस सब में भी हो सकते हैं, लाइक जिसमें प्लेजर ज्यादा होगा, लाइक प्लेजर इंडल्जिंग एक्टिविटीज में अगर रहेंगे तो उसमें भी हैप्पी रह सकते हैं। जैसे कि समझ गया मेरा, यू टेकिंग इट, बट मतलब मैं जस्ट परसों या किसी दिन देख रहा था तो मतलब पीपल राइट नाउ आर, मतलब इंडिया में अगर आप देखोगे तो 70% ऑफ द कंटेंट, 70% प्लस 73 आई थिंक दैट इज द राइट नंबर, 73% ऑफ द कंटेंट इन ऑन द इंटरनेट व्हिच इज कंज्यूम्ड इन इंडिया इज ओनली पोर्नोग्राफी, एंड दैट्स अ वेरी वेरी हार्ड फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स यार। जब फ्यूचर ऑफ इंडिया जस्ट पूरा दिन यही कंज्यूम करेगा तो गोल्स पे कब काम करेगा एंड व्हाट दे विल डू विथ लाइफ, मतलब ये डिस्कशंस तो अलग ही छोड़ दो, मतलब इफ यू डोंट इम्प्रूव अ कंजम्पशन पैटर्न्स कि यार हम क्या कंज्यूम करें, एंड वी डोंट क्वेश्चन इट एवरी डे देन या प्लस मेकिंग रील्स, या मतलब वो तो अलग ही चीज है, चलो मैं तो उसको फिर भी थोड़ा ठीक है मतलब नॉर्मल बोलता हूँ, वो तो फिर भी चलो ठीक है मतलब एक लेवल पे चलो दे दिया, लेकिन वो तो मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू, मतलब देयर इज अ नो फैप मूवमेंट इफ यू नो अबाउट इट, राइट, एंड इट इज फॉर अ फैक्ट, मतलब जो मतलब इट एंड इट इज अ वैदिक फैक्ट दैट इफ यू रिटेन योर सीमेन एंड सो मच गुड हैपेंस विद यू, राइट, एंड इट हैज सो मेनी बेनिफिट्स, यू कैन टेक अ होल सेशन ऑन इट कि यार कितने बेनिफिट्स हैं उसके, एंड मतलब इट गिव्स यू लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, विल पावर, बट वी आर लूजिंग आउट ऑन दैट जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्पररी 2-3, 1-2 मिनट प्लेजर, राइट। तो या हैप्पीनेस का डेफिनेशन ऑब्वियसली थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है, जैसे सुजल ने अच्छा है कि उसको क्वेश्चन किया कि वॉट इज हैप्पीनेस का डेफिनेशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली अगर हम नहीं बता पा रहे हैं ना तो वो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस टाइम पे, क्योंकि अदरवाइज हमें ही नहीं पता होगा कि हमें क्या चाहिए, राइट, एंड इट इज देन मतलब हम लाइफ जी चुके होंगे 40 साल के होंगे तब सोचेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं सोचा मैंने और अब बहुत लेट हो गया है, अब तो क्या करूंगा मैं,
बिकॉज नाउ इज द राइट टाइम दैट यू शुड थिंक अबाउट. बिकॉज देखो इसके पहले तो तुम वैसे भी सोच नहीं सकते थे, मतलब आईटी जेई या इसी से फुर्सत नहीं थी राइट. उसके बाद फर्स्ट ईयर में आ गए या फिर कुछ लोग जॉब में जा चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम है दैट यू हैव राइट, दैट यू कैन एक्सप्लोर थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ, एंड दिस इज द टाइम राइट टाइम टू क्वेश्चन ऑल दिस थिंग्स. मतलब 25 के नीचे हो, 20 to 25 इज द स्वीट स्पॉट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नाउ यू हैव मैच्योरिटी ऑल्सो एट अ लेवल राइट. सो अच्छा है दैट यू आर कमिंग फॉर दिस डिस्कशन, एंड we'll have a lot of such discussions matlab right in the future also, but acha hai okay baki aur kisi ne kuch bola tha because I'll mereko bhi kafi cheeze cover karni hai okay right. so basically life ka philosophy right, so ye humne discuss kiya ki right what is life for you and what are the guiding principles of life. to jaise kisi ne satisfaction bola, kisi ne success bola hoga राइट. सो अगर आप ऐसे समझो कि यू आर देयर इन दिस स्ट्रीट स्टैंडिंग हियर एट दिस ज़ेब्रा क्रॉसिंग राइट, एंड या फिर ऐसा समझो कि आपके पास, आपको ना एक दिन के लिए पूरा एंटीला दे दिया मुकेश अंबानी जा रहता है, और उसके अंदर आपके पास सब कुछ है, मतलब सारे सारे चीजें हैं, हेलीकॉप्टर है, ये है, वो है, सब कुछ है, एवरीथिंग दैट यू वांट इज देयर, बट यू जस्ट डोंट हैव वन थिंग, देयर आर नो पीपल आउट देयर टू सी यू. मतलब दुनिया में कोई है नहीं आपको देखने के लिए कि आप कितने सक्सेसफुल हो. मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर ऑन सोशल मीडिया कि यार आई एम एन एंटिला एंड आई एम अ बिलियनर राइट. You don't have that, just that difference. And but you have everything. You have all the gold, you have all the money, you have everything in the world. You have the best cars, you have the best. Well, this is a very good metric to check upon. Ki, theek hai, lekin aapko kya lagta hai ki aap khush rahoge pehle, first of all. Well, will you be happy in such a situation? अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है ना कि मतलब सब कुछ हो लेकिन कोई देखने वाला ना हो, तो आई डोंट थिंक कि कोई उसके पीछे जाना भी चाहेगा. कोई चाहेगा भी कि मेरे पास कुछ हो, मतलब ऐसी चीजें, लग्जरी कार्स या फिर बड़े रिसॉर्ट्स. क्या डिफरेंस है मतलब, पहले अगर सारे लोग हैं और सेम चीज मिल रही है तब उसको सक्सेस मान रहे हैं, बट सारे लोग नहीं है, माइनस कर दिया तो वो सक्सेस नहीं है. Exactly. This is what we are chasing in modern times. Big house, big cars. But क्यों? The question is क्यों? वही है. Main reason is कि किसी ने कहा है कि एक 10 लाख की घड़ी भी वही समय बताएगी जो 150 रुपए वाली घड़ी बताएगी. लेकिन आप 10 लाख वाली पहन के क्या करोगे? तो अगर कोई, यही बात है कि अगर कोई देखने वाला ना हो तो वो सामने वाला जो 10 लाख की भी घड़ी पहन रहा है वो भी 150 वाली ही पहनेगा. क्यों? क्योंकि मतलब किसी को रियलाइज ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, कौन सी घड़ी पहन रहा है, कितनी कॉस्टली है, या फिर उसका क्या मतलब जो एक है ना प्रेस्टीज रेपुटेशन वाली चीजें आज जो मॉडर्न टाइम्स में चल रही हैं कि जिसके पास ज्यादा बड़ी कार है हाँ वो उसके पास ज्यादा रेपुटेशन है, ये वाली चीजें. तो इसको चेंज करने के लिए वी आर बोलने का मतलब मैटेरियलिस्टिक थिंग्स यहां पे सक्स मतलब ठीक है. और किसी को बोलना है पहले तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस मोर. और किसी को बोलना है इसके अराउंड कि क्या डिफरेंस है? एक्चुअली ना ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई बंदा नहीं रहेगा तो एक ये रहेगा कि यार सबका कोई है नहीं, मेरा स्टैंडर्ड एक नॉर्मल है. तो लोगों के लिए ना मेनली मैटर करता है मेरा स्टैंडर्ड. अगर आप जैसे बोलते हो कि यार अरिजीत सिंह स्टेज पे जाता है चप्पल पहन के जाता है, ठीक है, तो उसके अगर आप चप्पल ही देखोगे तो वुडलैंड की रहती है या फिर कोई अच्छी ब्रांड की रहती है, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड बनता है इंसान का. तो ऐसा नहीं है कि इंसान ठीक है बस जो नॉर्मल चीज है 150 रुपए और 10,000 में डिफरेंस करेगा. इंसान को मैटर करता है स्टैंडर्ड अपना जो भी होता है. तो बेसिकली यहाँ पे मतलब बोलने का मतलब ये है कि it's all about once you show matlab basically success is external. once people are not seeing it you don't feel successful
राइट, बट सैटिस्फैक्शन इज इनेट. सैटिस्फैक्शन इज इनेट मतलब अगर कोई नहीं भी रहेगा ना तो भी मैं खुश हूं अंदर से. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सैटिस्फैक्शन एंड दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस राइट. एंड इन लाइफ इफ यू सी आप कितने जगहों पे सक्सेस के लिए भागते हो, कितने जगह पे सैटिस्फैक्शन के लिए भागते हो, हाउ मेनी टाइम्स इन लाइफ वी आर अराउंड सैटिस्फैक्शन एंड हाउ मेनी टाइम्स आर वी अराउंड सक्सेस. मतलब कितना टाइम हम पुट करते हैं सक्सेस के लिए और कितना टाइम हम उस सैटिस्फैक्शन के लिए पुट करते हैं. मतलब चाहे वो रील्स बनाने से लेके कहीं कहीं जाएगा भी कोई इंसान तो मतलब वो एंजॉय नहीं कर रहा है करंट मोमेंट को. व्हाट ही इज डूइंग इज मेकिंग रील्स कि मैं लोगों को दिखा पाऊंगा इंस्टाग्राम पे. राइट, यू गो टू अ प्लेस एंड एक फोटो बिना लिए तुम बता दो और उसको कहीं अपलोड किए बिना आज के डेट में, दैट इज नॉट पॉसिबल. राइट, व्हाई मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सक्सेस एंड सैटिस्फैक्शन? Definitely, हम लोग ने 90% हमारा सक्सेस उस पे सक्सेस के भी चिराग में लगा देते हैं, सैटिस्फैक्शन पे ध्यान ही नहीं देते हम लोग, अधिकतर यही होता है. राइट, तो बेसिकली आप ये देखोगे कि द लाइफ इज यू नो अ लाइफ इज सम ऑफ चॉइसेस एंड डिसीजंस दैट वी मेक. आई रिपीट, द लाइफ इज द सम ऑफ चॉइसेस एंड डिसीजंस दैट वी मेक. एंड अगर हमें जो हमने वाई वाली बात की, हमने वाई एक रीजन से बात किया, मैं पूरा स्क्रीन एक बार शेयर कर लेता हूँ. हमने ये वाई के बारे में बात किया था, राइट, पर्पस, अ मोटिवेशन, अ बिलीफ. तो अभी हम इसकी इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, क्या करना है वो तो बाद में आएगा. वाई उसके बाद आएगा, हाउ कैसे करना है एक ब्रॉड लेवल पे, एंड देन एग्जैक्टली क्या करना है, दैट इज एक्शन, दैट इज वॉट. बट फर्स्ट वी आर टॉकिंग ऑन दिस लेवल इन लाइफ which we generally don't talk about life in this way. Yaar, actually my life ka purpose kya hai? What should I be optimizing in life for? Should it be money? Should it be status? Should it be reputation? Bank balance? Gaadi, bangla? Ya phir should it be something different which generally not a lot of people are talking about? Because though basically whatever you find on the internet, it is... मतलब अगर आपको डीप में जाके समझोगे तो अभी गूगल और फेसबुक या फिर मतलब फॉर दैट मैटर, चलो गूगल फेसबुक छोड़ते हैं, मतलब फॉर दैट मैटर बॉलीवुड में भी क्या बिकता है, राइट? व्हाई इज देयर अ नीड, जिस फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग की जरूरत नहीं है बट एक आइटम सॉन्ग है वहां पे, राइट? व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या क्या रीजन है? राइट, बिकॉज मोर पीपल आर वॉचिंग इट. मैं ड्रॉप हो गया क्या? सॉरी, ओके. मतलब बिकॉज मोर पीपल आर वॉचिंग इट, राइट? एंड इफ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग इट, तो मतलब बेसिकली वहाँ पे एक रीजन है फॉर ग्रीड, राइट? यार आई वॉन्ट टू गेट मोर मनी आउट ऑफ इट, राइट? एंड दैट इज वॉट इज यू नो शोन टू यू. एंड मतलब इसलिए जो भी आप देख रहे हो यहाँ वहाँ पे अराउंड, दैट इज मोर अबाउट वॉट अदर पीपल वॉन्ट यू टू सी रादर वॉट यू वॉन्ट एक्चुअली. एंड दैट इज अ वेरी डीप रियलाइजेशन इफ यू कैन. मतलब अब अगर लाइफ को थोड़ा सा देखोगे, आजू बाजू चीजों देखोगे, समझोगे, देन यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सोसाइटी, ऑन द इंटरनेट, ऑन एवरीवेयर विच यू फाइंड इज जस्ट वॉट अदर पीपल वॉन्ट यू टू सी फॉर देयर ओवर सेल्फ इंटरेस्ट. कि दे वॉन्ट यू टू सी, मतलब अगर वो आइटम्स ऑन डालेंगे तो लोग ज्यादा अटेंशन नहीं देंगे, लोग थिएटर में नहीं आएंगे, या फिर सोशल मीडिया पे, या फिर आप देखो यूट्यूब पे भी, अगर आप ट्रेंडिंग बटन पे चले जाओ गलती से, यूट्यूब के गलती से अभी भी चले जाओ और देखो क्या है वहां पे, राइट? मतलब उसमें से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 90-95% चीजें आपको कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रही आपकी लाइफ में. एंड दैट इज वेयर द होल पॉपुलेशन इज स्पेंडिंग टाइम एंड वी डोंट रियलाइज इट ऑल्सो. मतलब इंस्टाग्राम रील्स और ये सब के चक्कर में वी डोंट रियलाइज इट ऑल्सो कि वेयर आर वी स्पेंडिंग आवर टाइम. एंड टाइम मैनेजमेंट, गोल्स, ये सब तो बाद में आएगा. पहले अगर आपको क्लियर नहीं है कि भाई करना क्या है जिंदगी में, व्हाट इज द पर्पस, देन ऑल थिंग्स गोज फॉर अ टॉस. मतलब ऑप्टिमाइजिंग ऑन द राइट थिंग्स एंड एवरीथिंग, राइट? एंड दैट इज व्हाई दिस पर्पस, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज सैटिस्फैक्शन, हाउ विल आई गेट मोर सैटिस्फैक्शन,
how would I not optimize for success rather than satisfaction in life? Because I know for a fact that there are billionaires also who have committed suicide. मतलब मैं आपको एक केस स्टडी जस्ट बताता हूँ फॉर सो मतलब क्योंकि एग्जांपल नहीं बताऊंगा तो फिर समझ नहीं आएगा राइट तो एक एनालॉजी से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी आप देखो कि लाइफ इज लाइक दिस राइट कि वी आर इन दिस जंगल एंड वी आर हैविंग दिस सो वी आर इन दिस जंगल एंड हमें एक जंगल में बीच जंगल में हम फंस चुके हैं राइट एंड लेट्स से इफ यू डोंट हैव द कॉम्पस राइट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई इज सो इंपॉर्टेंट and why talking on this is very important abhi thoda boring lag raha hoga ki kyun baar baar ek hi cheez bol raha hai but the deeper you understand the because hum iske bare mein zyada baat nahi karte to is lecture ke baad aap bhool bhi jaoge shayad lekin important hai ki usko baar baar aap remind karte rehna apne aap ko right so let's say you are in middle of a forest and you have this you don't have this compass and aapko matlab bahar nikalna hai us jungle se right and you don't have the map or the compass right या फिर आपके पास मैप है लेकिन कॉम्पस नहीं है तो आप कैसे करोगे चीजें राइट बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू गो हाउ टू गो मतलब विच डायरेक्शन टू नेविगेट हो सकता है कि आप अगर सीधा जाओ और राइट लो तो फिर आपको कोई शेर मिल जाए और आप पीछे जाओ तो कुछ खाड़ी मिल जाए राइट मतलब लाइफ इज जस्ट लाइक दिस राइट यू इट इज अनक्लियर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अनक्लियर इन लाइफ बट इफ यू हैव अ कॉम्पस इन लाइफ राइट कि यार किस तरीके से मुझे किस तरीके से डायरेक्शन लेना है नॉर्थ जाना है वेस्ट जाना है ईस्ट जाना है साउथ जाना है एंड इफ यू हैव विद द क्लैरिटी ओके कि यार ठीक है आई हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर दिस थिंग्स इन लाइफ व्हिच विल गिव मी सैटिस्फैक्शन रादर देन नॉट अदर थिंग्स राइट एंड इफ यू टेक दैट कॉन्शियस कॉल कि यार दिस इज द वे आई वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज माई लाइफ फॉर और हम एक पूरा फ्रेमवर्क देखेंगे कि ये जो कॉम्पस है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला ये हमारे लाइफ में भी कैसे हो सकता है हम मतलब एक मैं आपको लास्ट में मतलब डिस्कस करेंगे कि हम हाउ कैन वी हैव दिस कंपास फॉर लाइफ राइट तो अगर ये हमारे पास नहीं है देन अ लॉट ऑफ टाइम्स वी वुड एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एंड हम गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए राइट तो फॉर एग्जांपल अभी एंड लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट योर प्रोफेशन राइट लाइफ इज ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स रिलेशनशिप्स कनेक्शंस कंट्रीब्यूशन ग्रोथ वेल्थ हेल्थ right spiritual mental physical and emotional all these things are if well if you are not well obviously ekdam perfect balance karna difficult hai but at least if you don't have an understanding yet is pe maine kuch kaam hi nahi kiya zero kaam hai then after a period of time your satisfaction will go down because let's suppose aapka health acha nahi hai then also you cannot do anything aapka agar spiritual connect acha nahi hai ya fir aapko you know fundamentally you don't have some life philosophy which is right matlab if you go down or if you are not feeling well if you have some philosophy from bhagavad gita and vedas which you can make you strong matlab which makes you understand that you are not this body your soul and ye bas ek life nahi hai there are so many lives after this so pura paradigm shift ho jata hai pura life ka if you have a good understanding of spirituality it gives you a very paradigm shift it makes you you know as a different person as a human being right so isliye wo spiritual aspect bhi bahut important hai because it gives you a lot of thing a hope a lot of different things which spirituality gives you values jo aajkal bahut difficult hai to find right and this mental thing is also important emotional thing is also important right so this wheel of life as a whole is also important now iske bare mein hum kabhi alag se discuss kar sakte hain ki how do you practically hum kaise isko apply kar sakte hain apne life mein राइट सो आई हैव दिस शीट जहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ें करता हूँ और वहाँ पे मैं हर एक जो एक्टिविटी है डिफरेंट थिंग्स दैट आई डू इन माई लाइफ एंड आई यू नो गिव कि ठीक है दिस मच परसेंटेज आई विल गिव फॉर दिस दिस मच परसेंटेज आई विल गिव फॉर दिस एंड आई ट्राई टू ट्रैक दैट कि इफ आई एम नॉट गिविंग ऑल दैट सो एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी है हाउ डू यू यू नो हैव दिस बैलेंस ऑफ लाइफ वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे बट या राइट सो ये चीज़ है मैं बात करने जिसके बारे में करना लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगा इसके पहले मेरे को एक चीज डिस्कस करना था राइट जो हम ये बात कर रहे हैं सो आई एम नॉट डूइंग सीक्वेंस वाइज बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी है सम अदर डे वी कैन टॉक अबाउट इट बट या सो बेसिकली दिस वर द बेस्ट बिलियनर्स आउट देयर इन द यूएस मतलब अगर आप ये वाला फोर्ब्स का आर्टिकल पढ़ोगे
दिस नाइन फाइनेंशियल पीपल वर द सुपर पावर. लाइक उस टाइम पे मतलब ये लोग अगर समझ लो कि यूएस का एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट 10% जीडीपी बस इनके हाथ मतलब था. मतलब इतने बड़े अमीर आदमी थे ये लोग. सबसे बड़े कंपनी के मालिक, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकाज लार्जेस्ट स्टील कंपनी, प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकाज लार्जेस्ट गैस सम कंपनी, प्रेसिडेंट ऑफ लार्जेस्ट यूटिलिटी कंपनी, द हेड ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मोनोपोली, and the member of the president of the hard cabinet. So this nine people had a meeting sometime. लेकिन किसी को नहीं पता था कि इनका जो एंड होगा लाइफ का वो कितना डिफिकल्ट होगा. He died of a bankruptcy. This person मतलब he did a suicide. He suffered a mental breakdown. This person died penniless. मतलब ऐसी हुआ. That is the end that this person had. He committed suicide. He has been given pardon so that he could die at home. मतलब इसके जितने भी डेट थे उसको माफ कर दिया गया so that he can die at home. So मतलब ये लोग थे जिन जो pinnacle पे थे अपने life में success wise. But obviously satisfaction wise we can question कि कितना था कितना नहीं था. Because लोग क्या होता है ना कि success के through लोग जाते हैं कि party में है, मेरा status है and everything है and उससे लोग खुशी चाहते हैं. लेकिन यार जब तक आपके पास पैसा है जेब में तब तक आपको लोग फॉलो करेंगे, तब तक आपको लोग वो करेंगे. बट डू यू हैव सम पीपल, अगर आप कल को पेनलेस हो गए और आपके पास फिर भी वो लोग रहने वाले हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर लाइफ सच लाइक दैट. सो दैट इज वाई थिंकिंग अबाउट लाइफ इन दिस मैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सक्सेस वर्सेस सैटिस्फैक्शन. बिकॉज अदरवाइज मतलब we'll be optimizing for the wrong things in life. And जितना मतलब मैं इसके ऊपर ज़्यादा emphasize इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि goals ये सारी चीज़ें secondary आएंगी. But what is the purpose of life? How do you want to lead your life? You know, compass wise. And that is so important fundamentally. Right? You can see suicide rates around the world. Russia, South Africa, United States is leading India. मतलब क्यों मतलब इंडिया में तो कम होना चाहिए ना. मतलब कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया, दीज आर मोर डेवलप्ड नेशंस. साउथ कोरिया तो मतलब सैमसंग है वहाँ पे और यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, दीज आर वन ऑफ द फ्रांस, दीज आर मोर मच मच मोर कंसिडर्ड मच मच मोर बेटर और मोर प्रोग्रेस नेशन देन इंडिया. बट इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स इट टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी. बिकॉज पीपल विदाउट दिस मटेरियल थिंग्स आर नॉट सेटिस्फाइड. तो बेसिकली जो हमारे एस्पिरेशन है कि यार एक दिन ऐसा होगा कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जहाँ पे हम एस्पिरेशन करें क्या, तो हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए क्या वहाँ पे लोग पहुँचने के बाद वो खुश हैं, राइट? एंड इफ यू डोंट आंसर दैट क्वेश्चन यू शुड ट्राई टू फाइंड इट इन अनदर वे. एंड दैट इज व्हाई पीपल टर्न अप टू स्पिरिचुअलिटी आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम. स्टीव जॉब्स केम टू इंडिया, मार्क ज़करबर्ग केम टू इंडिया आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे डिडंट फाइंड दैट, राइट? एंड दैट इज व्हाई you know taking this whole spirituality thing and understanding about life, questioning, introspection is so fundamentally important. Because otherwise whatever you see, ab dekhoge YouTube ke trending pe kya aa raha hai, aapko bhi pata hai fundamentally agar thoda bhi dimag laga doge ki yaar nahi ho sahi mere liye, but fir bhi wo aa raha hai wahan pe. To jo aapko dikh raha hai charo aur zaruri nahi ki wo sahi hai, right? What is trending zaruri nahi ki wo sahi hai. You should fundamentally, as a you know sensible person, educated person, should sit and introspect. Yeah, how am I, you know, living my life? Should I be living like this for the whole entire life, or I want to introspect and you know do something for my satisfaction also? I'm just framework ke baare mein thoda baat karne ka try karenge. How many? 12:51 ho gaya. Okay, I'll try to fast enough. But bolne ka matlab ye hai ki right. Success and satisfaction are two different things. Success is external. तो मैं उसके बारे में सीधा जाता हूँ, फिर मैं framework के बारे में बात करता हूँ. So there are a lot of things which I wanted to discuss, but अभी time नहीं है. मतलब pillars of success, ये सब चीज़ें आप कोई भी self help growth book पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में discuss हो रहा होगा. Goals, roadmaps, taking actions persistently, networking, coaching, right? All these things के बारे में बात हो रहा होगा. मतलब सेटिंग क्लियर गोल्स विच इज स्पेसिफिक मेजरेबल एक्शनेबल रियलिस्टिक टाइम बाउंड, देन क्रिएटिंग उस गोल्स के लिए आप रोड मैप्स बनाओ, आप माइलस्टोन्स में ब्रेक करो, हैबिट्स बिल्ड करो, रेगुलेशंस लाओ, प्रोसेसेस बनाओ,
उसके बाद फिर देन यू एक्ट परसिस्टेंटली फॉर व्हाटएवर गोल दैट यू हैव मेड. तो इसके ऊपर हम कल अलग से डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द कंटेंट विच यू विल फाइंड एवरीवेयर एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट ट्राइंग टू कवर इट. नेटवर्किंग एंड कोचिंग नहीं होगा तो आपके लाइफ में योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, कोलैबोरेटिंग विद अदर सिम्बायोटिक पार्टनर्स एंड एवरीथिंग. सो दिस आर द थिंग्स विच इज ऑन द सेल्फ ग्रोथ साइड. बट दिस इज पिलर्स फॉर सक्सेस. बट फॉर वॉट इज फॉर सेटिस्फैक्शन ना लाइफ इज, ये सारा कंक्लूजन है. ओके सो एक स्टोरी था 99 क्लब विच विल ऑल्सो यू नो आस्क मतलब मेक यू मोर मतलब ये काफी अच्छे से और कब को समझ में आएगा ये चीज. तो एक बंदा था जो कि मतलब एक प्रेजेंट था जो प्रेजेंट में फार्मर था जो कि अपने फैमिली के साथ बहुत बढ़िया से रहता था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही यूज टू यू नो लव हिज वाइफ लव हिज चिल्ड्रंस एंड वॉज वेरी वेरी यू नो लविंग विथ एवरीथिंग. अच्छे से अपना काम कर रहा था, बढ़िया से रहता था, घर पे सब सब बढ़िया से हो रहा था राइट. एंड देन लेकिन वहाँ का जो राजा था वो काफी हद तक ओके या एम आई ऑडिबल राइट. यस यस ओके ठीक है. तो वहाँ का जो राजा था वो काफी हद तक मतलब वो थोड़ा सा मतलब दुखी रहता था एंड मतलब उसको ये लगता था कि यार मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना सब कुछ है, बट वाई एम आई नॉट हैप्पी, वाई वाई दिस फार्मर हैविंग लेस इज मोर हैप्पी देन मी. देन व्हाट ही डिड इज कि उसने उसके घर मतलब उसके मंत्री ने बोला कि आप इसको, ये अभी 99 क्लब का मेंबर नहीं है ना इसलिए ये खुश है. सो व्हाट इज दैट 99 क्लब. तो बेसिकली उसने क्या बोला कि आप इसके घर के बाहर 99 गोल्ड कॉइन्स रख दो राइट. एंड 99 गोल्ड कॉइन्स रख दो का मतलब यह है कि अब उसको जो फार्मर था उसको फिर उसने देखा कि यार ओके मेरे घर के बाहर 99 गोल्ड कॉइन्स है तो उसको ये लगा कि यार 99 क्यों है, मतलब 100 क्यों नहीं. और उसने सोचा कि यार मतलब दिया चलो किसी ने दिया लेकिन 100 क्यों नहीं दिया, अब मुझे इसको 100 करना है, 99 अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है 99, तो आई वांट टू मेक इट 100. एंड उस 100 को करने के लिए ही वर्क्ड हिज एस ऑफ एंड ही यू नो टॉइल्ड वेरी हार्ड एंड डिड ऑल द थिंग्स व्हिच ही कैन डू जस्ट टू मेक दैट 99 टू 100. एंड मतलब देन जो उसका अच्छा रिलेशनशिप था विद हिज वाइफ दैट आल्सो स्पॉइल्ड, विद हिज चिल्ड्रंस एवरीथिंग दैट आल्सो स्पॉइल्ड बिकॉज़ ही वाज वर्किंग प्रैक्टिकली lot time matlab overtime he did and all those things. to and then fir baad mein raja aaya to usne dekha ki yaar ye banda wapas se matlab dukhi ho gaya mere jaise. to uske mantri ne bataya ki dekho matlab why do you think that happened first of all, what is your take? you mai kafi time se baat kar raha hu, I want you all also to speak. what do you think? uski greediness, uski greediness ke liye greediness. okay और कुछ किसी को लगता है? लोगों ने सुना होगा ना यार 10th कर लो बस इतना कर लो बस बहुत अच्छा हो जाएगा. तो लोगों ने सुना होगा कि यार बस 12th कर लो, 12th में अगर अच्छे मार्क्स आ गए ना लाइफ सेटल्ड है, बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा. अरे नहीं नहीं 12th के बाद ठीक है, 12th के बाद फिर इंजीनियरिंग में तुम बढ़िया कर लो, उसके बाद जॉब लेके आ दो, फिर तो मतलब बस सेट बढ़िया हो जाएगा राइट. बस 4 साल कर लो फिर जॉब आ जाएगी. फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे पूछ लो अभी क्या वो खुशी मिली. फिर अभी बस शादी कर लो बस तो हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा राइट. बट 2 साल फैंग में कर लो. 2 साल फैंग में कर लो तो मजा आ जाएगा, तो फैंग वालों से जाके पूछो कि कितने खुश हो राइट. तो बोलने का मतलब ये है कि सक्सेस या ये सारी चीजें है ना, ऐसा नहीं कि एक स्टेज है कि यहाँ तुम्हें मिल जाएगा तुम खुश हो जाओगे, ये मतलब चीज नहीं है राइट. एंड दैट इज व्हाई वी शुड इंट्रोस्पेक्ट कि यार देयर इज नो एंड फॉर ग्रीड एज आयुष पॉइंटेड आउट राइट, कि वी कैन बी सैटिस्फाइड विद वॉट एवर वी हैव राइट नाउ ऑल्सो. मतलब आप देखो कि कितने लोग होते हैं जो कि मतलब गांव में चले जाओ बढ़िया से, वहां पे देखो कितने लोग होते हैं उनके पास कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, बट दे आर सो वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ बिकॉज़ लाइफ इज नॉट अबाउट
all about you know success, but it's about satisfaction. Are you having good relationship with your family? Are you having you know fundamentally जो आपको करना है वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप बस कोई आपको जिस तरीके चलाना चाहता है उस तरीके से चल रहे हो, राइट? जो आदर्श बोल रहा था स्टार्टिंग में, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार सक्सेस के पीछे ही बस नहीं करना है, बट यू नो यू हैव टू ऑप्टिमाइज इन लाइफ फॉर सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, एंड इफ यू डोंट ऑप्टिमाइज इट राइट नाउ देन यू विल बी यू नो रिग्रेटिंग इट लेटर, राइट? ओके, सो काफी बात कर लिया हमने, तो अभी वो मिलेगा कैसे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और क्वेस्ट फॉर इनर फुलफिलमेंट, तो भगवद गीता सेज कि अ ट्रू योगी इज नॉट वन हु इज टिल्टेटेड बाय द वेव्स ऑफ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, बट एंकर्स वनसेल्फ टू द डॉक ऑफ इनर फुलफिलमेंट. तो ही इज नॉट टिल्टेटेड बाय अचीवमेंट्स और फेलियर्स, मतलब वो स्थिर रहता है. ही इज नॉट अ ट्रू योगी, ही डजंट gets very proud, okay, मेरा ये achievement हो गया वगैरह वगैरह, मेरे इतने लोग नाम ले रहे हैं, और rather when he's failed, then also he doesn't, you know, gets a lot affected, but he anchors oneself to the dock of inner fulfillment, and he docks himself to, मतलब ये ठीक है, जो भी हुआ, it's a part of life, ups and downs comes in life, and I want to be inner satisfied, मतलब लोग क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, but inner satisfaction and fulfillment is more important, क्योंकि I'm learning something from it, right? तो दैट इज इम्पोर्टेंट इन अ फुलफिलमेंट. अब वो कैसे, तो चाणक्य पंडित का एक अच्छा कोट है, वी शुड बी रिमेन कंटेंट विद द फूड वेल्थ एंड स्पाउस बट नेवर बी कंटेंटेड विद नॉलेज वन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड चैरिटेबल एक्टिविटी. सो वो बोल रहे हैं कि आपको जितना खाना मिल गया, आपको जितना वेल्थ है और जैसी बीवी है उससे खुश रहो, अगर ज्यादा हमेशा आप करते रहोगे तो आप झगड़ा ही करोगे. Rather, you should never be contented or never be satisfied with one's knowledge. Which means ki you should keep on learning. You should be a lifelong learner. One's spiritual practices. Aapko spirituality, matlab, it's a ocean. Matlab, aap start karoge and it's an ocean that you can read and study about. You can go upon understanding about yourself, about the Supreme. Then how do I connect with the process of yoga? There are different processes of yoga. How do I understand about that? Bhakti yoga, Ashtanga yoga, Karma yoga, Sakam Karma yoga, Gyan yoga. How do I understand about all these things? And charitable activities. Kisi ko daan dene se pehle bhi, matlab, you should not be satisfied ki kal ko aur dena hai mujhe, aur logon ko life change karna hai. Right? So if you apply this principle itself, matlab, it, you'll see a change in your life, right? A lot of times. Aristotle, one of the greatest philosophers, says, what is the essence of life? It is to serve others and to do good, right? And satisfaction needs to rise above one's selfish needs and wants and discover the selfless cause greater than oneself. Which means ki yaar satisfaction mein principally change ho gaya. Ki yaar success mein ye tha ki mujhe jo bhi karna hai, mere liye karna hai, logo ko dikhane ke liye karna hai. Bore ho gaye kya baaki log? Camera band kar diya. Sab hai yahan pe. बन गया, दोगे अभी एक मिनट में अभी ओके ओके ठीक है, समझ गया. ओके, तो यस, मतलब इट्स अ फ्लिप, मतलब सक्सेस वाज अबाउट अचीविंग समथिंग फॉर मायसेल्फ एंड शोइंग इट ऑफ टू अदर्स, राइट? जब तक लोग नहीं देखेंगे तब तक मैं खुश नहीं रहूंगा. बट सैटिस्फैक्शन इज वेरी डिफरेंट. सैटिस्फैक्शन इज डूइंग फॉर समवन एल्स, डूइंग फॉर अदर्स, and then you will get the satisfaction. क्या मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ तब मुझे खुशी मिल रही है. जैसे कि आप देखो कि अभी मैंने recently किसी का video देख रहा था, तो this जो आप देखो वो नौजवान लोग, मतलब जो हमारे army है, they are at Siachen glacier at -40°C and they are happy guarding the whole nation. They are feeling satisfied the work that they are doing because that is for a good cause, for protecting the whole nation, right? So basically, ये चीज़ है कि आप देखोगे कि the more expanded, so this is the satisfaction circle. The most expanded the nature of cause, the more harmonious and fulfilling one satisfaction will be the due to the degree of impact. So the degree of impact आप लोगों के life में, या फिर जितना वो impact का जो radius वो बड़ा होगा, the more satisfied you will feel. Which means कि if you do it just for yourself, you will be
दिस मच सेटिस्फाइड. इफ यू डू इट फॉर योर पेरेंट्स यू विल बी मोर सेटिस्फाइड कि यार मैंने अपनी मम्मी पापा के लिए किया, तो आपको एक अलग आता है ना कि यार मम्मी पापा के लिए किया, और आपने अपने लिए कुछ लिया उससे ज्यादा खुशी मिलती है कि आपने मम्मी पापा के लिए लिया. फिर आपने पूरी फैमिली के लिए किया, फिर आपने पूरी कम्युनिटी के लिए किया, गुज्जू कम्युनिटी के लिए मैंने ये किया, राइट, ऐसे कुछ हो जाता है. फिर उसके बाद आपने लेट्स सपोज पूरे ह्यूमैनिटी के लिए किया, इंसानियत के लिए किया, राइट. नेशन भी आता है बीच में, कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी के बीच में, जैसे आर्मी है तो उन्होंने नेशन के लिए कुछ किया, राइट. एंड देन फिर आपने कुछ पूरे इंसानियत के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कुछ अच्छा मेडिसिन बना रहे हो, कुछ वट एवर इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग इट्स ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, देन यू विल फील मोर सेटिस्फाइड. जैसे कि ठीक है मार्स में हम लेके जा रहे हैं तो लोग हैं ये कि ठीक है वट एवर दैट इज, ठीक है, बट मार्स पे एक अलग ही वो रखता है कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, एलन मस्क की मैं लेके जा रहा हूँ मार्स पे, एंड आई एम चेंजिंग द वे ह्यूमैनिटी लुक्स एट. बट इफ यू डू इट फॉर गॉड who is the whole you know protector and the whole person who is behind this whole creation, then you will be more satisfied, right. ab ye thoda sa logo ko lagega ki kaise, to iske upar aur discuss kar sakte hain, but kisi ko hai pehle yahan pe doubt is cheez mein, matlab are you there with me right now? Sir, actually I want to ask a question that as you already said ki success aur jo tha satisfaction dono different cheez hai. और अपन अगर किसी बड़े इंसान या किसी भी जो भी कंपनी के वहां पे जाते हैं तो एक नॉर्मल सा बिहेवियर रहता है, लेकिन जब वहीं पे अपना 10,000-11,000 के पूमा के शूज पहन के अगर चले जाते हैं तो एक अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस आता है उसके. आपके क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हो? बोल रहे हो कि ब्रांडेड बन के जाते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और अनब्रांडेड नहीं आता है. हाँ, वो एक डिफरेंस मतलब एक आ जाता है माइंड में, वो कहीं ना कहीं आ जाता है एक डिफरेंस. एक अगर देखो वहां पे भी इट्स ऑल अबाउट ना कि यार लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, आप उसके बारे में देख रहे हो. एक कॉन्फिडेंस इज व्हाट, कॉन्फिडेंस इज इंटरनल, कॉन्फिडेंस इज नॉट एक्सटर्नल, बट इट्स द वायरिंग, वो पैटर्न बना लिया आपने कि यार लोग मुझे अगर परसीव उस तरीके से करेंगे तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा. एंड लोग अगर ब्रांडेड देखते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंट ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को और उस तरीके से. तो ऐसा नहीं कि कुछ आप मॉन्क्स को देखो, ठीक है, कुछ कुछ मॉन्क्स होते हैं जो एकदम फटा पुराना पहनेंगे और ऐसे, लेकिन मतलब अभी विराट कोहली गया था वृंदावन, कुछ लोगों ने वीडियो देखा होगा शायद, राइट. तो अब विराट कोहली जैसा बंदा झुक रहा है वहां पे सामने उसके, राइट, अनुष्का शर्मा झुक रही है, व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज कुछ तो किया है ना उस बंदे ने वहां पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां पे, तो उसने उन्होंने कुछ ब्रांडेड नहीं पहना. इट्स इनेट, मतलब कि व्हाट यू हैव क्रिएटेड आउट ऑफ यू, राइट, बट बिकॉज वो हमने बना लिया, वो पैटर्न है हमारा, राइट. और डिस्कस कर सकते हैं बट हाँ मतलब ब्रॉडली ये. और इंसान सेटिस्फाइड होता है अगर, जैसे मतलब मैं अगर पहन के जा रहा हूँ, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया थी, अगर मैं एक जो कैंपस पहन के जा रहा हूँ और दूसरी जगह एक पूमा पहन के जा रहा हूँ तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, सेटिस्फेक्शन अलग होता है. वो ऐसा आपने सोचा है अपने दिमाग में, आपने बना लिया है. देखो अगर लेट्स सपोज कल को अंबानी पूमा पहन के नहीं आएगा तो क्या ही विल नॉट बी मच कॉन्फिडेंट, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड दैट इमेज फॉर हिमसेल्फ ना, ही हैज डन समथिंग, राइट. मैं नहीं बोल रहा हूँ ब्रांडेड मत पहनो. बोलने का मतलब ये है कि people perceive you not just because of externals, but people perceive you because of your internals, how you are. The same principle applies that then also. Jo why, what and how hai na, ye wahan pe bhi apply hota hai. Kya aap dekhoge kuch kuch logo ki following externally hai, agar uska paisa nikal gaya na to log bhag jayenge usko chhod ke. In kuch kuch logo ko agar paisa bhi hat gaya na तो भी लोग नहीं भागे. जैसे अमिताभ बच्चन की इतनी फैन फॉलोइंग, इतना गरीब हो गया था, बट पीपल वर लाइक यार ठीक है मैं इनको डोनेट करूंगा. जो मतलब कुछ कुछ लोगों का एक अंदर से वो होता है, राइट, कि मतलब उनके अंदर के वैल्यूज और उसके वजह से उसको फॉलो किया जाता है रादर देन जस्ट ऑफ एक्सटर्नल्स. एंड इफ पीपल हैव गेन्ड दैट ट्रस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल्स, देन देयर इज इट इज अ मोर सस्टेनेबल थिंग rather than just because of externals. कि आज आपके पास गोल्ड, वो जो रैपर्स वगैरह जो पहनते हैं इतना गोल्ड वोल्ड का और ऐसे लगाते हैं, वो तो वो है दिखेगा तब तक है, अगर वो हटा दो उसके पास से तो खोखला हो गया वो, राइट. तो दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट.
ओके सो आई विल जस्ट ट्राई टू कंप्लीट क्योंकि हमने काफी टाइम हो गया. अ सैटिस्फाइड लाइफ इज बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ बिकॉज़ अ सक्सेस इज मेजर्ड बाय अदर्स एंड सैटिस्फैक्शन इज मेजर्ड बाय आवर ओन सोल माइंड एंड हार्ट. ये हमने समरी मतलब जो हम डिस्कस करने का ट्राई कर रहे थे अब तक. सक्सेस इन सो आपने ये सबका स्टोरी पता होगा राइट, रावण और जटायु का. तो जटायु दिखा होगा कि आपने रावण ने उनको मार दिया बट हमें बाहर से दिख रहा होगा कि ही वॉज अनसक्सेसफुल बट और रावण दिख रहा होगा कि उस टाइम पे सक्सेसफुल हो गया. But later we know what happened. Jatayu was fighting for a selfless cause, but and he got ultimate destination of Lord's abode in the spiritual world. But Ravana got failure and he was killed later on. And बाद में उनके साथ क्या हुआ? तो basically उस तरीके से. Pandavas with his Kauravas. Kauravas was self-centric. क्या मुझे मेरे को चाहिए? मैं एक सुई भी नॉक भर भी नहीं दूंगा दूसरों को. Pandavas were like मैं आपको दूंगा सब, लेकिन फिर भी उनको fight करना पड़ा because ठीक है वो अलग ही स्टोरी है बट बोलने का मतलब था कि पांडवज वर सेल्फ सैटिस्फाइड एंड दे वर वो गए भी थे तो कृष्णा ने बोला उनको जाने के लिए वनवास तो ही दे वेंट फॉर इट. तो इट वाज अ डेवलपमेंट पैराडाइम कि वो ये नहीं था कि यार मेरे को पूरा चाहिए बट इट वाज मोर ऑफ कि यार ठीक है नाउ दैट हमें वनवास मिला है तो हम इसके ऊपर कुछ सीख के आएंगे. इट वॉज अ डेवलपमेंट पैराडाइम कि हम तो वहां पे उन्होंने कुछ अलग अलग चीजें की, 5 चीजें उनको मिली अलग अलग भाई को, उसके वजह से वो वॉर को जीत पाए जो महाभारत का हुआ, अदरवाइज दे माइट हैव नॉट. तो वो बैड टाइम था उनका बट उस बैड टाइम से उन्होंने गुड टाइम निकाला, अच्छी चीजें सीखी राइट. डिटेल में डिस्कस करने का भी टाइम नहीं इसलिए मैं आई एम गोइंग फास्ट. ड्राइविंग फोर्स फॉर डेफिशिएंसी पैराडाइम इज सेल्फलेस ग्रीड एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर यू नो डेवलपमेंट पैराडाइम इज सेल्फलेस सर्विस फॉर हायर कॉज. सो इफ यू डू समथिंग फॉर हायर कॉज then it is a development paradigm. But driving force for deficiency मतलब क्या, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, that is selfish greed. इतना होने के बाद भी मतलब आप देखोगे कि अगर एक कोई बंदा let's say Mercedes में बैठा है और सामने फरारी है वो बंदा सोचेगा कि यार मेरे पास फरारी क्यों नहीं है, that is a deficiency paradigm. वहां पे तुम्हारे पास इतना होने के बाद भी तुम्हारे पास greed है राइट. लेकिन वो बंदा मारुति वाला भी खुश है कुछ कोई बंदा यार बिकॉज़ ही इज मोर ऑफ इनेटली हैप्पी फ्रॉम सैटिस्फाइड फ्रॉम विद इन, ही डजंट नीड मच राइट. एंड ऐसे लोगों को फिर गधे की तरह बस काम नहीं करना होता है, दे लिव देयर लाइफ, दे जस्ट डोंट गो थ्रू लाइफ. इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस कि कुछ लोग जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग सम फ्यू बक्स ऑफ मनी वो लोग नॉर्मल जॉब करते हैं, नॉर्मल जॉब के बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, फिर कुछ और भी करते हैं, फिर कुछ इधर भी करते हैं, कुछ उधर भी करते हैं, बुरा नहीं है. लेकिन जो लाइफ आपको जीनी थी उस पैसे से क्या आपने वो जी? हेल्थ विच इज सच अ इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हेल्थ ही नहीं होगा तो 20 साल बाद एंजॉय नहीं कर पाओगे उस चीज का, डेड बेड पे बैठे रहोगे. आर यू ऑप्टिमाइजिंग ऑन योर हेल्थ? एंड इफ यू डोंट कंसिडर ऑल दिस थिंग्स, अगर आप टेम्पररी ग्रीड के लिए ऑप्टिमाइज करोगे लाइफ में, देन यू विल एंड अप you know in havoc. And that is the whole understanding ki agar if you are having a balance in life, that is more important than having a lot of money. Agar us tarike ka se agar apne life ko optimize kiya, and then you know things will be very different for you. Yeah, you perceive things like you feel like Puma gives you a class. Okay, ye pehle ke liye bola tha kya? Okay. ओके सो या दिस इज, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मतलब मैंने जो बोला जो चीज वो बस लिखा हुआ है. आई विल ट्राई टू स्किप दिस बट या इट इज, सक्सेस इज आउटकम ड्रिवन एंड सैटिस्फैक्शन इज कॉज ड्रिवन. यहाँ पे आप सक्सेस को देखते हो कि यार एक स्टेप पे जहाँ पे पहुंचूंगा, यहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ कॉज कि आप एक सेल्फलेस कॉज के लिए कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड जो हम बात कर रहे थे राइट कि सक्सेस जो सुजल कौन बोल रहा था, शायद सुजल बोल रहा था राइट कि you know this kya naam hai, ha this is found in reaching the milestone but this is embedded in the journey. The satisfaction ke liye, let's suppose you are doing something for the nation or you doing something for humanity or you are doing something for the Lord right, ki yaar main aur logo ko share karu ye message right, then you are happy right now also. You don't have to be happy once you are there. And how do you connect this principle with the Lord God wala thing is is it's a very good example. कहाँ गया वो? हाँ, so हमने जो यहाँ पे बात कर रहे थे right, you will be ultimately more happy if you know the cause of your the cause of whatever you're doing is God. अगर आपको purpose वो रहेगा
then you will be more happy. Why? Because I'll give you an example. Like, there was a child, you know, jo, let's suppose, bahut ameer baap ka beta tha, right? But galti se wo kahin pe ghum gaya, kisi mall mein ya kahin pe wo ghum gaya. और अलग अलग लोग उसको मिले रास्ते में, और कुछ लोगों ने उसको फिर क्या किया कि बोला कि ठीक है चलो टॉफी देता हूँ मैं आपको, उसको खाने के लिए दिया उसको, उसको कुछ लोग आए उसको कुछ कुछ लोगों ने उसको खाने के लिए दिया बढ़िया से मैकडॉनल्ड से खिला के, उसको बोला कि ठीक है अभी खुश है, तो उस थोड़ी देर के लिए खुश हो गई वो और उसने खाया पिया, फिर वापस से दुखी हो गई, राइट? फिर कुछ लोग हो गए कि नो उन्होंने उनको कपड़ा दिया, क्या ठीक है आप अच्छे कपड़े पहनो वगैरह वगैरह, ये किसी ने उसको नॉलेज दिया, राइट? किसी ने उसको समझाया कि ऐसे नहीं रोते हैं ऐसे वैसे, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज दिया, बट एक इंसान ने क्या किया उसको आके उसको सीधा वो नॉलेज दिया कि ठीक है तुम्हारे मम्मी पापा से चलो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, और उसको उसके घर लेके चले गया, राइट? अब उसको वहां पे खाना भी मिल रहा है, वहां पे उसको जो कपड़े थे उससे ज्यादा मिल रहा है, जो खाना था उससे ज्यादा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट सेशन, अगर आपको याद हो, उसी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि देयर इज दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड देयर इज दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड वी आर देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर सम टाइम. अगर हम इफ यू टेक द राइट प्रोसेसेस ऑफ योगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हम और डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, बट वंस यू टेक अप दैट यू विल बी मोर सैटिस्फाइड एट द प्रेजेंट ऑल्सो. And you keep on following that and you achieve the ultimate destination. And then you say, you know, talk about moksha and moksha ki prapti and everything, right? So there is a specific state where you will be more happy, because life is not just in this life, but life is life after life, right? If you understand the concept of soul, thoda bhi higher ja raha hoon, but if you understand the concept of soul, it's not just, it's eternal. The body is temporary, right? So if you connect this key, I'll be just want to happy just for this life. If you just, your horizon of life is just for the next 10 years or 20 years or 30 years or 40 years, then you're looking very limited. But your, you know, horizon, you know, LPU ka wo hai na ki think big, right? So if your horizon of life is high, ki yaar, matlab bas 40 saal ka nahi sochna hai, 40,000 saal ka sochna hai, uske baad bhi sochna hai, ki yaar, तो छोटी छोटी सोच नहीं है कि यार ठीक है मेरे को अभी के लिए सोचना है, अभी के लिए मैं थोड़ा पाप कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब ठीक है पैसे कमाऊंगा 40 साल मजे से जाऊंगा, ड्रिंक भी यू नो मतलब क्या था वो पार्टी हार्ड वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, राइट? लेकिन अगर मैं सही से सही प्रिंसिपल से फॉलो कर रहा हूँ, सही से इम्पैक्ट कर रहा हूँ, राइट थिंग्स कर रहा हूँ इन लाइफ, एंड यू नो आई एम क्रिएटिंग सेल्फलेस इम्पैक्ट टू अदर्स पीपल्स लाइफ, एंड आई एम कनेक्टिंग पीपल टू द knowledge of Bhagavad Gita and understanding, first of all, understanding myself about Bhagavad Gita and then giving this knowledge to others. So basically, isse hoga kya? Aap dekhoge, isse fundamental problem solve hoga. And that is very important to understand. Ki agar aap dekhoge ki jail ki kami nahi hai, jail ki kami hai. Matlab aap dekhoge ki itne sare jo cases hain in the courts that are be pending because itne jail nahi hamare paas. Agar humne us cases ko jaldi solve kar diya na, मतलब देयर इज अ होल स्टैटिस्टिक्स पे कभी दिखा सकता हूँ उसको, मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर जिस दिन जितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं केस में कोर्ट में, अगर वो सॉल्व हो गए ना, उतने लोगों के, उतने जेल नहीं है हमारे पास उतने लोगों को रखने के लिए. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाईज कि यार ठीक है, एक अलग एंगल में जा सकते हैं जहां पे हम लॉ को गाली दे सकते हैं, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि इफ यू डोंट चेंज पीपल्स माइंड सेट टू डू दैट थिंग, मतलब जैसे कि अगर एक कैदी है, ठीक है, वो निकल गया जेल में से, एंड वंस ही इज आउट यू नो ही स्टार्ट्स ऑल द थिंग्स अगेन, राइट? तो उसको वहां पे भेजा क्यों था, पर्पस क्या था जेल में भेजने का? वहां पे खाने पीने तो नहीं भेजा था, नए दोस्त बना के और बाहर निकल के कांड करने के लिए नहीं भेजा था. द पर्पस वॉज क्या, ठीक है वो वहां पे जाके सीखे और समझे और अपने चीजों को चेंज करे. बट यू विल सी कि काफी सारे केसेस में क्या होता है, जो बंदा जेल में जाता है वो बाहर में आके वो और करता है कांड, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स. बट सो इस्कॉन का जेल में भी प्रीचिंग चलता है, एंड एंड देयर वाज सो मेनी डिफरेंट यू नो कैदीज जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई आफ्टर रीडिंग भगवद गीता, एंड देयर लाइफ वॉज नॉट द सेम बिफोर, बिकॉज लोगों को लाइफ को देखने का एक तरीका ही चेंज हो गया, लोगों का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया.
यार ये चीज गलत है, ये चीज सही है और ये चीज नहीं करनी है। अगर आप किसी बच्चे को समझाओगे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है, अगर वो वाई का अगर आप अच्छे से आंसर नहीं दोगे तो बंदा वापस से गलती करेगा। दैट इज द होल पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी की यार इसको हमें बस अपने पास नहीं रखना बट बाकियों को भी देना है। एंड इफ इट इज इट डजंट गो कि देखो आग आज के दिन में एक जगह पे लग रही है बट वो पूरे गांव में लग सकती है कल को, अगर लोग इसी तरीके से रहेंगे, राइट? पीपल लुक वुमेन एज एज एन ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाट इज शोड इन द मूवीज, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, क्यों जरूरत है आइटम सॉन्ग्स की, राइट? वो बहुत बड़ा डिबेट है, राइट? बट आप देखो कि वैदिक टाइम्स में वुमेन्स को किस तरीके से देखा जाएगा, तो दो पूरी लड़ाई हुई है महाभारत और रामायण जस्ट बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट द वुमेन, सीता एंड द्रौपदी, राइट? तो दैट वॉज द हाईएस्ट स्टेचर ऑफ वुमेन्स इन द वैदिक सोसाइटी। तो अगर हम वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करेंगे देन द होल सोसाइटी विल गो फॉर अ टॉस बिकॉज देन एवरी वन विल लुक वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट, और उस तरीके से लोग करना चाहेंगे, रेप्स होते हैं इसीलिए, इसलिए इतने क्राइम्स होते हैं। आप ये देखो कि लेट्स सपोज अगर कोई घर में मतलब एल्कोहल और इंटॉक्सिकेशन वगैरह में ज्यादा घुस गया, राइट? एंड अगर उसको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज होगा वो कभी नहीं करेगा, बट लेट्स सपोज अगर उसने करना चालू कर दिया फिर क्या होगा, थोड़ा पीना चालू करेगा, फिर और पिएगा, फिर थोड़ा और पिएगा, फिर थोड़ा और पिएगा, फिर आदत लग जाएगा, एडिक्टिव हो जाएगा, फिर क्या करेगा, जो अपना काम करना चाहिए उसका, जो उसका ड्यूटी है टू अर्न फॉर हिज फैमिली एंड गिव फॉर देयर लाइवलीहुड, वो कम हो जाएगा। एंड धीरे धीरे ऐसा स्टेज आएगा बहुत गरीब हो जाएगा, राइट? या फिर अच्छे से केयर नहीं कर पाएगा अपने बच्चों का, अच्छे से केयर नहीं कर पाएगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे, राइट? और फिर मतलब अपनी बीवी को मारेगा या फिर वट एवर दैट इज, राइट? दैट इज ऑल हैपनिंग। अगर आप जाओगे लोअर स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी में, आपको बस अभी हमें क्या दिखता है, बस वो 10% दिखता है जो ऊपर मीडिया में दिखता है, या 5% दिखता है ऊपर का, बट 95% ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया में कुछ अलग ही हो रहा है, राइट? लोगों ने फीफा तो देखा लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि फीफा के पीछे जो की चीजें हुई, वहां पे कितने सारे वर्कर्स को कैसे काम करवाया था, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं किया पूरे दुनिया में, कितने लोगों को पता है ये फीफा वाला केस, किसी को नहीं पता होगा, पता है? पूरा केस स्टडी है, देख सकते हो जाके, आई कैन शेयर यू द लिंक। मतलब तभी तभी किसी ने बात नहीं किया उसके ऊपर कि फीफा में ऐसे काम कैसे करवाए वर्कर्स के साथ, पूरा एक जगह होता है पूरे कतार में, वहां पे उनको इनको कंडेंस करके रखा जाता है कैसे कैसे काम करवाया जाता है। एंड दिस इज नॉट हैपनिंग इन 2023। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम सेल्फिश रहेंगे ना तो वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द वर्ल्ड, वी हैव टू बिकम सेल्फलेस। एंड वंस वी बिकम सेल्फलेस तो वो जो दारू पीने वाला इंसान है अगर वो सही बन गया तो अपनी पूरी फैमिली को आगे सही कर सकता है। And that is the change which we can bring today. If you follow right values, if you follow things in the right way, and if you first of all change your life and then change others' life. And that is the impact of spirituality. That is the impact of looking life in the right way, optimizing for the right things, making goals, being proactive, productive, all these things. ठीक है? बाकी just बहुत सारी चीजें हैं, but I'll just तो ये जो लाइफ कंपास है, आई विल जस्ट टेक दिस एंड आई विल जस्ट एंड अप 20 हो गया। और चीजें थी काफी सारी डिस्कस करने के लिए, बट कभी अलग से करेंगे। ओके, तो लाइफ कंपास, इसमें आप देखोगे तो आपको दो एक्सेस दिख रहे हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो इसको आप समझो कि दिस इज सेल्फिश, दिस इज सेल्फलेस। तो वेस्ट वाला जो है दिस इज सेल्फिश एक्स एक्सिस पे, जो इस वाला नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये सेल्फलेस है, और जो यहाँ पे है इररिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल, राइट? सो इस तरीके से देखो कि अगर आप यू हैव टू डिसाइड इन विच क्वाड्रेंट यू हैव टू लिव योर लाइफ इन, एंड दैट इज द होल मतलब दिस इज द वाई पार्ट ऑफ लाइफ। हम अभी हमने आज हाउ और वाई पे बात ज्यादा नहीं किया, व्हाट पे बात नहीं किया, हम आज ज्यादातर वाई पे बात किया हमने, एंड अंडरस्टैंडिंग वाई इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो दिस पार्ट इज यू आर मोर सेल्फलेस फॉर द कॉज एंड यू आर रिस्पॉन्सिबली डूइंग योर स्टफ ऑल्सो, विच मीन्स कि ओके, पहले नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फिश हो
ठीक है, और आप इररिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हो, मतलब जो आपको काम करना है, जो आपको डिजायर्ड आउटकम करना चाहिए. तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू डेवलप ट्रस्ट. मतलब जो भी चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबल का मतलब सारी चीज़ें इंटरव्यू हो जाती हैं उसके अंदर. यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड डूइंग वट एवर इज रिक्वायर्ड टू गेट दैट सक्सेस, मेकिंग गोल्स, डूइंग दिस, डूइंग दैट एंड एवरीथिंग, राइट? सो यू आर, इफ यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन एक्चुअली यू आर मोर सक्सेसफुल. द मोर यू आर इररिस्पॉन्सिबल, ओ सॉरी, द मोर यू आर इररिस्पॉन्सिबल द चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर लेस. सो आप देखोगे कि आप अपने अपने लाइफ में ना ऐसे अपने चारों क्वाड्रेंट में लोगों को देखा होगा, बस इमेजिन करने का ट्राई करना कि कौन है वो बंदा, ठीक है? तो इररिस्पॉन्सिबल, ही इज दैट पर्सन इज इररिस्पॉन्सिबल ऑल्सो एंड दैट पर्सन इज सेल्फिश ऑल्सो. एंड सच अ पर्सन, आपके दिमाग में कोई आया होगा सेल्फिश एंड इररिस्पॉन्सिबल, आप देखोगे वो बंदा फ्रस्ट्रेशन और डिस्कस्टिंग रहता है हमेशा. पता नहीं आप सोच पा रहे हो कि नहीं. फिर अगर आप देखोगे कि एक पर्सन जो है कि सेल्फलेस है लेकिन इररिस्पॉन्सिबल है, राइट, दैट पर्सन इज सेल्फ डिसेप्टिव एंड डिस्ट्रस्ट. मतलब बेसिकली वो दिखा कुछ और रहा है, मतलब कि मैं बहुत केयर करता हूँ, बट खुद ही नहीं कर रहा है वो, ही इज मोर इररिस्पॉन्सिबल. तो हमें ऐसा भी नहीं बनना है कि हम बहुत सेल्फलेस है लेकिन हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके का भी इंसान नहीं बनना है कि लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत सेल्फलेस हैं, हम ये है वो है, बट खुद अपना काम नहीं कर रहे, खुद अपना पढ़ाई नहीं कर रहे, खुद अपना जॉब अच्छे से नहीं कर रहे. सो वी शुड नॉट बिकम अ रोल एग्जाम्पल लाइक दिस ऑल्सो. एंड सच अ पर्सन सेल्फ डिसेप्टिव, मतलब कि दिखाने के लिए कुछ और है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट अंदर से वो नहीं है. और देर आर काइंड ऑफ पीपल हु आर सेल्फिश एंड रिस्पॉन्सिबल, और ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको कि जो अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं लेकिन बहुत सेल्फिश है, बस अपने बारे में सोचते हैं, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ पीपल आर एज यू सी प्राइड एंड डिप्रेशन में रहते हैं, राइट? बिकॉज दे आर मोर क्यार, मैं वो वाले लोग होते हैं. वो ऐसे आप बहुत सारे लोग आपके दिमाग में आए होंगे, अभी आए सबके दिमाग में, राइट? तो प्राइड एंड उन लोग ज्यादा प्राइड होते हैं, और वो लोग फिर सबसे ज्यादा दुखी भी होते हैं, बिकॉज उनके पास लोग नहीं है अच्छे से बात करने के लिए, डीप रिलेशनशिप्स नहीं है, बिकॉज वो हमेशा मैं करते रहते हैं. दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स मोर एंड दे आर वेरी इनसिक्योर पीपल, दे आर वेरी इनसिक्योर दैट वेज, बिकॉज उनको लगता है कि जिस दिन मेरा ये चले जाएगा तो फिर मेरे साथ कौन रहेगा, राइट? बट सैटिस्फैक्ट अगर आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो कि, और ये बहुत रेयर होते हैं, वो आर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी सेल्फलेस ऑल्सो. They don't do just things for themselves, but for others also, for a good cause also. हमारे soldiers को ही देख लो, monks को देख लो, who have selflessly given up their life just because, for a higher purpose. So these people are more responsible also because they are doing their duty also. मतलब a good example could be Narendra Modi also. मतलब debate, मतलब लोग कुछ लोगों को लगना हो पता नहीं, but देखो वहां पे ही इज मोर सेल्फलेस बिकॉज कुछ है ही नहीं वहां पे, राइट? बिकॉज देयर इज नो नथिंग टू, मतलब आगे कोई फैमिली नहीं है कुछ करने के लिए. तो ही इज बिकमिंग मोर सेल्फलेस फॉर द नेशन, राइट? एंड ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज वाई इन द लास्ट 10 years यू कैन सी, मतलब राइट, कि कितना चेंज आया है पूरे नेशन में बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द सेल्फलेस एटीट्यूड. आप इतने टाइम से देखो कि पूरा सेल्फिश गवर्नमेंट थी तो कितना कुछ हुआ, और अभी सेल्फलेस है तो कितना हुआ. तो ये प्रैक्टिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सेल्फलेसनेस कितना इंपॉर्टेंट है फॉर अ लीडर एंड फॉर इन द सोसाइटी. एंड इफ यू हैव सेल्फलेस थिंग्स यू कैन क्रिएट सच अ चेंज, राइट? तो आई थिंक वी हैव कवर्ड, लाइक वी हैव पास द टाइम, सो आई विल प्रोबब्ली वाइंड अप. और चीजें हैं बट आई थिंक आई जस्ट गो. या दिस इज अ कार ऑफ लाइफ, लाइक बोथ, मतलब बोलने का मतलब ये नहीं कि हमें कंप्लेसेंट बनना है. We have to be successful. At the same time, we have to be satisfied. So basically, it's like, the car of life example. The wheels are like the success. If you don't have these wheels, gaadi aage chalegi nahi, right? So these wheels are also important. But at the same time, agar fuel hi nahi hoga, to gaadi kaise chalegi? So satisfaction is like the fuel of the tank. That is the analogy which we can understand. Or, I'll just probably... And this is sharpening our skills.
दिस इज शार्पनिंग वन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस राइट एंड फाइनली व्हाट आर द टेक अवेज अप्लाई दिस पिलर्स ऑफ लाइफ गोल रोड मैप एक्शन नेटवर्किंग एंड कोचिंग टेकिंग डिसीजंस ऑफ लाइफ बाय द कंपास ऑफ लाइफ टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बोथ द एक्सिस काउंट ऑफ इनर सैटिस्फैक्शन एज वेल एज द डिसीजंस दैट यू मेक एंड प्रैक्टिकल टेक अवे क्या कर सकते हो आप आज के बाद कैन एटलीस्ट टेक यू नो हम जो वीकली कनेक्ट करते हैं हैव दिस एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल एंड अटेंड दिस थिंग्स एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ लाइक प्रोफेशनल पर्सनल स्पिरिचुअल एंड हेल्थ मतलब मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब यू शुड हैव मेंटर फॉर ईच एरिया ऑफ योर लाइफ इन अ वे सो दैट ही इज यू नो हैविंग यू ट्रैक्ड यार आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप सही जगह पर जा रहे हो नहीं जा रहे हो एंड ही इज देयर टू यू नो गाइड यू थ्रू एंड एवरीवन शुड हैव दिस मेंटर फॉर प्रोफेशनल लाइफ फॉर पर्सनल लाइफ फॉर स्पिरिचुअल लाइफ फॉर हेल्थ एंड टेक दिस एसोसिएशन फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट राइट एंड ऑल्सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैदिक विजडम बिकॉज इट हैज अ लॉट टू ऑफर इट इज सो डीप एंड सो वास्ट अबाउट द नॉलेज ऑफ लाइफ सो दैट यू कैन गेट बेस्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज ठीक है अगर लाइफ को बस इस लाइफ में देखो तो लाइफ इज लिमिटेड राइट तो उस हिसाब से हमें हमारा बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ बनना है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स व्हिच कैन मेक आवर लाइफ सो मच बेटर तो या हमें स्पिरिचुअलिटी और ये सारी चीजों को और एक्सप्लोर करना चाहिए बिकॉज सेटिस्फैक्शन विल कम इनेट एंड इनेट इज आवर सोल And soul के लिए आपको spirituality follow करना पड़ेगा you have to understand about Bhagavad Gita you have to understand what the scriptures tell you about this how do you be more satisfied you'll see मतलब in my life I've been practicing this spirituality for last 5 years or so and I've seen a difference in my life मतलब पहले भी चीजें थी but अभी जो चीजें हैं success जो हुआ materially ठीक है but satisfaction comes only from spirituality अगर वो डीप कनेक्ट नहीं है विद द सुप्रीम यू डोंट अंडरस्टैंड लाइफ फिलॉसफी यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द स्क्रिप्चर्स देन लाइफ इज टू ड्राई मतलब आपके पास बहुत कुछ होगा तो भी आप खुश नहीं रहोगे दैट हैज बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो एंड वंस यू नो मतलब अभी ऐसा लगता है कि यार और पढ़ते रहो मतलब ऑल मतलब इतना कुछ है हमारे स्क्रिप्चर्स में I have this in my shelf. I have Srimad Bhagavatam. I am studying that. So every day I get to know new things. There are so many things to learn about it, right? So this the ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना Srimad Bhagavatam है. So one is Bhagavad Gita, right? जो हमें पता ही है, right? Bhagavad Gita is the condensed version of the whole Vedas. And then there is Srimad Bhagavatam, which is like Bhagavad Gita से double एक book होती है जो कि 12 books होती हैं. और उसके अंदर लाइफ के हर एक डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा है सब हाउ दिस क्रिएशन केम अबाउट जो एम्ब्रियोलॉजी होती है उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब्ड है हाउ इज द बेबी फॉर्म्ड इन द फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ फोर्थ मंथ देयर आर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स विद व्हिच लाइफ को आप देख सकते हो उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्राइब्ड है श्रीमद् भागवतम के अंदर मतलब और उसके अंदर केस स्टडीज है इट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन आंसर मोड में क्या उसने परीक्षित महाराज है जिन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा जो कि कृष्ण अर्जुन के पोते थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा सुखदेव गोस्वामी उनको आंसर कर रहे हैं एंड इट इज इन दैट कन्वर्सेशन फॉर्मेट एंड यू अंडरस्टैंड सो मच थिंग्स अबाउट लाइफ विच यू एक्चुअली डोंट अदरवाइज बिकॉज आजकल के जमाने में क्या हो रहा है ना कि ठीक है हर बंदा यूट्यूबर है और हर बंदा यूट्यूबर है उनसे अगर हम नॉलेज लेंगे तो हो गया फिर हमारे लाइफ का हरी बोल क्योंकि बिकॉज वो लोग की लाइफ खुद ही सॉर्टेड नहीं होगी तो मतलब यू शुड हैव You should follow people who have already are following something in their life. आपको दिखना चाहिए कि उन लोगों की लाइफ में कुछ उन्होंने चेंज किया है राइट एंड दे आर नॉट जस्ट सक्सेसफुल बट सेटिस्फाइड ऑल्सो एंड यू कैन काउंट इन नंबर्स कि कितने लोग होंगे आपके फॉलोअर लिस्ट में ऐसे राइट तो इसलिए वी शुड फॉलो राइट पीपल एंड इफ यू एंड रीड गुड बुक्स whom we can follow. There are so many good case studies about Yudhishthir Maharaj, Parikshit Maharaj, so many great examples from our Vedic scriptures, which has happened just few years back. जिससे हम कितना कुछ सीख सकते हैं about life. तो ठीक है, I think we have done for the day. Thank you so very much. Hare Krishna. Thank you, sir. So, is anybody having any questions? सुजल